नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सब बोर्ड पर देख सकते हैं, आज हमारा टॉपिक है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को जानने से पहले आपको सेमीकंडक्टर का पता होना चाहिए, सेमीकंडक्टर मटेरियल का पता होना चाहिए। फिर उसके दो टाइप्स आते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक टाइप है, लेकिन उससे पहले आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के टाइप्स का पता होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या करें, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको वीडियोज के लिंक मिलेंगे, सेमीकंडक्टर बेसिक्स का भी और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में डिफरेंस दोनों जाकर देखिए, फिर यहाँ पर आइए, क्योंकि जड़ मजबूत होगी तभी तो पौधा सही रहेगा ना। हाँ ठीक है, तो वो देखिए, फिर यहाँ पर चलते हैं हम। ओके, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जैसे कि मैंने बताया, हमारा सेमीकंडक्टर टाइप है। ठीक है, इंट्रिंसिक होता है और एक्सट्रिंसिक, दो टाइप होते हैं सेमीकंडक्टर के। ठीक है, इंट्रिंसिक क्या होता है, हमारा प्योर सेमीकंडक्टर। अब प्योर से एक एग्जांपल दे समझाता हूँ आपको मैं। हमारे पास क्या है, एक दूध का ग्लास है। ठीक है, दूध के हमारे प्योर फॉर्म में, ठीक है, उसमें कुछ भी हमने ऐड नहीं किया। ओके, वो क्या हो गया, हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किससे बनता है, इंट्रिंसिक से ही बनता है। अब इंट्रिंसिक हमारा दूध है, दूध में हमने क्या कर दिया, शुगर चीनी मिला दी, चीनी मिला दी तो इंप्योरिटी ऐड कर दी, इंप्योरिटी ऐड करने से क्या हो गया, उसका टेस्ट चेंज हो गया, टेस्ट चेंज हो गया तो क्या बन गया, वो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ऐसे ही हमारा इंट्रिंसिक में हमने इंप्योरिटी ऐड कर दी तो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन गया। तो आज हम करेंगे एक्सट्रिंसिक के टाइप्स, जो कि हमारे एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसलिए कह रहा हूँ आप वीडियोज को जाकर देखिए डिस्क्रिप्शन में, ताकि अच्छे से समझ में आए। ओके, समझ गए। अब आते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर पे। सबसे पहले तो एन टाइप सेमीकंडक्टर को जानने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि एन टाइप इंप्योरिटी क्या होती है, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर तभी बनेगा जब उसमें हम इंप्योरिटी ऐड करेंगे। ठीक, क्योंकि एक्सट्रिंसिक का टाइप है, तभी बनेगा जब इंप्योरिटी ऐड करेंगे। तो एन टाइप इंप्योरिटी, जिसे हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी भी कहते हैं। ठीक है, समझ जाएंगे अभी नाम का मतलब भी। An atom having 5 electrons in its valence orbit is known as n-type impurity. तो ये definition क्या कह रही है? An atom, एक atom है having 5 electrons, उसके जो outermost orbit है ना, atom के outermost orbit में जहाँ पर electrons होते हैं, वहाँ पर कितने 5 electrons हैं, तो उस atom को हम क्या कहेंगे, n-type impurity। और pentavalent impurity का नाम से pentavalent कितना, 5, बता रहा हूँ ना, 5 electrons in valence, valence का मतलब valence electron orbit में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो हमारी क्या, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी या फिर एन टाइप इंप्योरिटी। ऑल्सो कॉल्ड डोनर इंप्योरिटी, इस एन टाइप इंप्योरिटी को हम डोनर इंप्योरिटी भी कहते हैं। डोनर कौन होता है, दान देने वाला, तो ये कुछ ना कुछ दान कर सकता है, वो देखेंगे आप क्या दान कर सकता है। ठीक है, एटम हमारा। ओके, अब आ जाते हैं कुछ एग्जांपल्स लिए मैंने एन टाइप इंप्योरिटी के। ओके, जैसे हमारे बिस्मिथ, एंटीमनी, आर्सेनिक, फॉस्फोर, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, ये एलिमेंट्स हमारे कुछ जो हमने एग्जांपल लिए हैं। ओके, अब आ जाते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर पे, एन टाइप इंप्योरिटी का पता चल गया। ओके, तो इंप्योरिटी पता चल गया, इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं तो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। इफ अ पेंटावेलेंट एटम, ठीक है, अगर कोई पेंटावेलेंट एटम, पेंटावेलेंट क्या, जिसके जिस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, से फॉस्फोरस, मैंने कह दिया फॉस्फोरस, हम फॉस्फोरस लेके चल रहे हैं। ठीक है, इट्स डोप्ड, डोप्ड क्या होता है, डोपिंग, डोपिंग एक प्रोसेस होती है, बता देता हूँ इस वीडियो में मैं, प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटी, मतलब प्रक्रिया इंप्योरिटी को ऐड करने की। जब हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, जब उसमें हमने चीनी डाली, तो वो प्रक्रिया थी ना, जो प्रोसेस थी, उसी को हम कहते हैं डोपिंग, इंप्योरिटी को ऐड करने की प्रोसेस को। ठीक है, तो एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये कह रहा है, अगर पेंटावेलेंट एटम हमारा, मान लीजिए मैंने फॉस्फोरस को क्या करा, मैंने ऐड कर दिया, कहां पर ऐड कर दिया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड कर दिया, तो उस वो क्या बन जाएगा, हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि हमने उसमें एन टाइप इंप्योरिटी को ऐड कर दिया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। ओके, अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर है हमारा। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर का ये जी 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 ई दिख रहे हैं आपको, जी ई जी ई जी, ये क्या है, जर्मेनियम। ओके, जर्मेनियम क्या होता है, हमारा एक एलिमेंट होता है। ओके, अब इसमें ये क्या हमारा प्योर क्रिस्टल स्ट्रक्चर था। ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है, सब कुछ मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है। ओके, तो वहां पर जाकर देखिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, एक एटम है, उसको वो इक्वल नंबर ऑफ एटम से हमारा घिरा हुआ या बाउंडेड है। ठीक है, उसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये हमारे इक्वल नंबर ऑफ एटम है। ठीक है, इसमें अब एन टाइप इंप्योरिटी ऐड कर दी, कौन सी इंप्योरिटी, फॉस्फोरस। देखिए पी दिख रहा है ना आपको बीच में, फॉस्फोरस ऐड कर दिया। अब इसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5। ठीक है, देखिए 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4, 4 है और एक एक्स्ट्रा 5। और जर्मेनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ठीक है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 है, बैलेंस कहते हैं स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए होंगे एटम को, 4 और चाहिए होंगे, 8 होते हैं ना, 8 होने जरूरी है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो जर्मेनियम के पास 4 है, ठीक है, सभी जर्मेनियम के पास 4 है, तो अपने वो क्या करेंगे, 4-4 को शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, ऐसे एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमारा बनता है। ओके, लेकिन फॉस्फोरस के पास क्या, 4 है, ठीक है, आउटर, लेकिन एक और एक्स्ट्रा है, 5 है। ठीक, 4 तो वो शेयर कर रहे हैं जर्मेनियम के साथ, जो पांचवा बचेगा हमारा, 5th इलेक्ट्रॉन बचेगा, उसे हम क्या कहेंगे, हमारा
क्योंकि ये क्या हमारी एन टाइप इम्प्योरिटी है, फॉस्फोरस। तो ये हमारे क्या बन जाएगा, डोनर। जो ये इलेक्ट्रॉन बचा हमारा, ये क्या बन जाएगा, डोनर। डोनर क्या होता है, दान देने वाला। तो ये इसका एक्सटर्नल यूज हो सकता है, किसी को डोनेट कर सकता है जिसके पास हमारे कम इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ओके, इतना समझ गए। एन टाइप पर डिपेंडर। अब आते हैं हमारे पी टाइप इम्प्योरिटी पे। ठीक है, पी टाइप से हम कनेक्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, पी टाइप इम्प्योरिटी, जिसे हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी कहते हैं। अभी समझ जाएंगे नाम का मतलब। ओके, एन एटम हैविंग थ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस्ड ऑर्बिट इज नोन एज पी टाइप इम्प्योरिटी। तो ये कह रहा है एक एटम है, उसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें कितने थ्री इलेक्ट्रॉन्स है। समझिएगा बात, थ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उस एटम को हम क्या कहेंगे, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी या फिर पी टाइप इम्प्योरिटी। ट्राइवेलेंट का ट्राई का क्या मतलब, थ्री। वैलेंट का मतलब जो हमारे क्या वैलेंस बैंड में है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। ओके, इम्प्योरिटी अशुद्धियां। ओके, हो गया नाम लिख लिया। ऑल्सो कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, इन्हें एक्सेप्टर इम्प्योरिटी क्या कह सकते हैं। एक्सेप्टर क्या मतलब होता है, जो एक्सेप्ट कर ले, ले लें। अब दान देना चाहता है कोई, डोनेट करना चाहता है, ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट करना चाहता है। ठीक है, जो वो डोनेट करना चाहता था ये एक्सेप्ट करना चाहता है, तो जो उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो ये ले सकता है ना, तो यही मतलब होता है एक्सेप्टर, मतलब ले सकता है। ओके, एग्जाम्पल से इसके कुछ गैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन, ये कुछ एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने होंगे, थ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, बात आते हैं हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर पे। इस पर ट्राइवेलेंट एटम या फिर मटेरियल भी कह सकते हैं आप इसको, ट्राइवेलेंट मटेरियल, ट्राइवेलेंट एटम। ओके, से बोरॉन मान लेते हैं ट्राइवेलेंट एटम। ट्राइवेलेंट एटम कौन सा होगा हमारा, जिसके वैलेंस ऑर्बिट में या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में थ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। से बोरॉन मान लिया, बोरॉन है वो हमारा। ठीक है, ओके, इज डॉक्ड टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसे हमने क्या किया, डॉक कर दिया, ऐड कर दिया, किसमें ऐड कर दिया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। ठीक है, इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो वो कौन से सेमीकंडक्टर में बन के आएगा हमारा, पी टाइप सेमीकंडक्टर में, क्योंकि हमने इसमें क्या ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड की है या फिर पी टाइप इंप्योरिटी ऐड करी है बोरॉन में। बोरॉन जो हमारे इंप्योरिटी के एटम, किसमें ऐड कर दिया हमने, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। ओके, अब जो हमारे स्ट्रक्चर देखें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या हमारा, प्योर सेमीकंडक्टर जिसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, वो बताई दिया मैंने आपको। अब इसमें क्या करते हैं, बोरॉन ऐड करते हैं, बोरॉन देख दिख रहे ना आपको बीच में। ठीक है, जर्मेनियम क्या वेल क्या आपके हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट फोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसको फोर और चाहिए शेयरिंग के लिए, स्टेबल होने के लिए शेयर करेगा। फिर बोरॉन के पास कितने हैं, थ्री हैं। ठीक है, ये दिख रहे ना आपको, ये क्या हमारा होल, थ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है इसके पास, वन टू थ्री, ये शेयर कर लेगा जर्मेनियम के साथ, लेकिन एक होल है। अब ये होल क्या है, खाली जगह है, इसको क्या करना, भरना पड़ेगा, तभी तो ये कह रहा है एक्सेप्टर है, ये एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, अगर कहीं फ्री होगा हमारा तो उसको ये एक्सेप्ट कर लेगा, वो भर देगा, ये बन जाएगा हमारा स्टेबल बन जाएगा। ओके, तो ये हमारी क्या थी, पी टाइप इम्प्योरिटी और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी या फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर, और ये क्या था हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के टाइप थे। ओके, और एक और बात बताता हूं, हम कह रहे हैं इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, इम्प्योरिटी क्यों ऐड कर रहे हैं, ताकि कंडक्टिविटी बढ़ सके हमारी। ठीक है, कंडक्टिविटी समझते हो ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ होल्स, करंट का फ्लो। ठीक है, ये सब चीजें हमारी बढ़ सकें। ओके, इसलिए हम इंप्योरिटी ऐड करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तभी एक्सट्रिंसिक। अभी दूध था हमारा प्योर सेमीकंडक्टर था, इंट्रिंसिक था, उसमें चीनी ऐड कर दी, मिठास बढ़ गई ना, ऐसे ही इंट्रिंसिक में हमने अगर डोपिंग कर दी, इंप्योरिटी ऐड कर दी, तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि फ्री ऑफ फ्री हो जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे। अगर ऐसे ऐसे में बहुत सारी एन टाइप इंप्योरिटी ऐड कर दो इसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे जो क्या करेंगे, करंट का फ्लो करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारे बहुत सारे होल्स हो जाएंगे जो हमारा करंट का फ्लो करने में मदद करेंगे। तो ये हमारा एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर टॉपिक क्लियर हो गया है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो क्या करेंगे, पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ओके, अगर आप उनको शेयर कर रहे हैं तो आप उनकी हेल्प करें, मैं नहीं कर रहा। ठीक है, ओके, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, रेड वाले बटन को दबाइए, उसके बाद बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके पास हो पहुंच के। और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तब भी बताइए, अच्छी नहीं लगी तब भी कमेंट कीजिए, कमेंट से ही पता चलता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और दोनों वीडियोज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, सेमीकंडक्टर बेसिक देखिए, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का डिफरेंस देखिए। थैंक यू सो मच, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं तो। ओके, ठीक है, थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच।